हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल फिल्मी पंचायत में, जहां आपको मिलेंगी टीवी और फिल्मों से जुड़ी हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चटपटी खबरें। आज हम बात करते हैं बिग बॉस की। बिग बॉस सीजन 13 जो कि 13 है और साथ ही साथ टेढ़ा भी है। जी हाँ, अगर हम कल के एपिसोड की बात करें तो कल के एपिसोड की शुरुआत होती है विकास गुप्ता द मास्टर मैन, जिनको ये वाइल्ड कार्ड में लाए हैं। अब इनको वाइल्ड कार्ड में लाने की क्या जरूरत थी? चलो भाई, ये कलर्स वाले हैं, ये बिग बॉस वाले हैं, टीआरपी छप्पर फाड़ के आ रही है तो और बढ़ जाए। अब वो तो टाइम ही बताएगा कि टीआरपी बढ़ी या नहीं बढ़ी। हाँ तो भाई, विकास गुप्ता बोलते हैं मधुरी में कौन कि भाई आपके बीच में ऐसा क्या हुआ था, आप उसको शॉर्ट आउट क्यों नहीं करते। मधुरी वहां पर रात को विशाल के पास जाते हैं कि उठो ना, उनको कुछ डिस्कस करना है। विशाल बोलते मुझे नींद आ रही है, कल बात करते। तो ऐसे करके वो सो जाती कि चलो ठीक है कल डिस्कस करेंगे। फिर कल वो दोनों सुबह बात करते हैं। अब बाद में वही बात होती है कि वो उसको डांटता है, वो उसको डांटता है, मतलब पता नहीं चल रहा है कि उन दोनों के बीच में लड़ाई किस बात की है। उसके बाद बात आती है नॉमिनेशन की। अब नॉमिनेशन में सबसे ज्यादा अगर किसी को नॉमिनेट किया है तो वो है माहिरा। माहिरा को 7 वोट मिले। उसके बाद शहनाज गिल जिनको 6 वोट मिले हैं। फिर है हिंदुस्तानी भाव जिनको 4 वोट मिले हैं। और फिर है मधुरिमा जिनको 2 वोट मिले। तो कुल मिलाकर 5 कंटेस्टेंट नॉमिनेट हुए हैं। सिद्धार्थ शुक्ला जो पेंशन नहीं 2 हफ्ते के लिए, शहनाज गिल, मधुरिमा, हिंदुस्तानी भाव और माहिरा। अब देखते हैं कि इनमें से कौन आगे एलिमिनेट होता है। तो अब बात करते हैं हम सिद्धार्थ शुक्ला की। बिग बॉस ने ये कहकर सिद्धार्थ को घर से निकाला कि उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत है, इसलिए वो कुछ दिन घर से बाहर रहेंगे। सभी घर वाले थोड़ा शॉक हो जाते और सबसे ज्यादा होते शहनाज गिल, उसको दुख होता है कि सिद्धार्थ चला गया, अब उसकी बकवास बकबक कौन सुनेगा। ठीक है, अब देन वहां से सिद्धार्थ को शिफ्ट करते हैं बिग बॉस वाले सीक्रेट रूम में। और मजा तब आता है जब उनको सीक्रेट रूम में ज्वाइन करते हैं आबरा का डाबरा पारस छाबरा। अब ये दोनों मिलके चुगलिया करते हैं, लोगों की बातें सुनते हैं, नॉमिनेशन टास्क भी देखते हैं। अब हम देखते हैं कि अगले एपिसोड में क्या होने वाला है। बाकी फिल्म और टीवी से जुड़े रहने के लिए हमें देखते रहिए हमारे चैनल फिल्मी पंचायत पर।